वफाक हुकूमत सूबों के हकूक गजब कर रही है। मुझे पता है कि पंजाब में भी अपोजिशन को एक नलका तक नहीं दिया जा रहा। मुल्की हालात के पेश नज़र अभी चुप हैं। सियासत करने पर आए तो बहुत अच्छा खेल सकते हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की ज़ेरे सदारत पीपल्स पार्टी पंजाब की क़यादत का इजलास, जनूबी पंजाब से पंजाब के दौर का आगाज करने का ऐलान। पंजाब असेंबली के स्पीकर चौधरी परवेज इलाही से अब्दुल अलीम खान की मुलाकात, मौजूदा सियासी सरहदी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुलाकात में सूबाई वजीर कानून बशारत राजा, चौधरी जहीरुद्दीन और शुएब सदीकी भी मौजूद रहे। मनपसंद महकमों की फरमाइश, 38 पार्लिमानी सेक्ट्रीज को महकमे अलॉट ना हो सके। वजीर आला पंजाब ने 38 पार्लिमानी सेक्ट्रीज का नोटिफिकेशन 7 फरवरी को जारी किया। ज़राए का कहना है कि पार्लिमानी सेक्टर्स की जानिब से मनपसंद महकमों की फरमाइश पर मामला ठप हो गए। बेशतर पार्लिमानी सेक्टर्स पर महकमों की अलाटमेंट ना मिलने पर बतली का शिकार। वज़ीर आला ने बिगड़े मामला हल करने के लिए वज़ीर आज़म से मदद मांग ली। पाक भारत कशीदगी में कमी के बाद समझौता एक्सप्रेस की सर्विस बहाल। समझौता एक्सप्रेस के जरिए 14 पाकिस्तानी मुसाफिर भारत से वाघा बॉर्डर पहुंच गए। कोई भी भारतीय मुसाफिर नहीं आया। मुसाफिर अपने वतन वापस पहुंचने पर खुश। शादबाग डिस्पोजल पर कब्जा माफिया के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन। ऑपरेशन में बेहतर कारकर्दगी दिखाने वालों को एजाजिया देने का फैसला। वास्ता इंतजामिया 9 मुलाजमीन अफसरान को बुनियादी तनख्वाह का निस्फ बतौर एजाज देगी। MD वास्ता ने मंजूरी दे दी। भिखारियों को चौराहों से फौरी हटाया जाए। भीख मांगने वाले छोटे बच्चों को चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में दाखिल किया जाए। भिखारियों के लिए महकमे समाजी बहबूदी सिफारिशात मुरतब करे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की हदायत। और चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद की तशद्दुद का शिकार बच्ची, मिनाहिल के वालिदैन से मुलाकात। चेयरपर्सन ने मिनाहिल की देखभाल के यकीन दहानी और अदालती हुक्म पर बच्ची को वालिदैन के हवाले कर दिया गया।